कल मेरे पास आया था एक स्टूडेंट का कॉल, तो वो बोल रहे थे कि मतलब वो एक्चुअली क्या रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, तो थोड़ा फीस का डिस्काउंट की जो है बात कर रहा था। तो वो सिफारिश लेके आया था एडिशनल कलेक्टर की मेरे पास। मेरा स्कॉलर बोलता है कि सर वो हमारी मैडम है गुरिया मैडम, एडिशनल कलेक्टर है, तो उन्होंने जो है वो आपका ही रिकमेंड किया कि आप ही के पास जो है वो जाना है, तो सर थोड़ा सा प्लीज मेरे लिए देखो ना। अब मैं जानता भी नहीं कौन एडीएम है वो। जय हिंद गाइस, चलो अपन सेशन को जो है वो चालू करते हैं अपने। चलिए, तो आज द हिंदू की क्लास में सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नेक्रोफीलिया का। तो आप लिख लो ये नेक्रोफीलिया, ये स्पेलिंग लिखो नेक्रोफीलिया, NECROPHILIA, नेक्रोफीलिया। सिर्फ इतना लिखकर रुको, पहले मैं आपको न्यूज दिखाता हूं। देखिए, नेक्रोफीलिया को अमेंड करने के लिए, यानी कि इसको अपराध बनाने के लिए जो है वो गुजारिश जो है वो करी है। अगर आप देखेंगे न्यूज के अंदर तो आपको जो है वो नजर आ रहा है कि गुजारिश की गई है कि आईपीसी के सेक्शन, आपको पता होगा 377 और 376 रेप का, और सेक्शन होता है 376, और अननेचुरल सेक्स का जो सेक्शन होता है आईपीसी का वो 377 होता है। अब इस नेक्रोफीलिया का मतलब क्या है? नेक्रोफीलिया का मतलब यह है कि जो कोई साइको व्यक्ति कुछ होते हैं जो डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, मुर्दों के साथ, तो उसको बोलते हैं नेक्रोफीलिया। तो सोचो किस लेवल का माइंडसेट होगा लोगों का कि जो डेड बॉडी को तक नहीं छोड़ रहे। तो गुहार जो है वो ये लगाई गई है कि होता ना कि हर एक इंसान की डिग्निटी, भाई चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि लोगों के जो परिजन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन फैमिली मेंबर्स में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो उस होता है ना कि कई बार कि कोई किसी को बोले कि वो बॉडी आ गई तो लोग चटक जाते हैं। जैसे कबीर सिंह पिक्चर में आपने देखा होगा, उसकी दादी जो है खत्म हो जाती तो बोलते हैं कि बॉडी को मतलब बॉडी जो है वो आ गई, चलते हैं, तो वो चिल्लाता है कि किसने बॉडी बोला। लोग अटैच रहते हैं, राइट। और आप सोचो कि जैसे कि जहां पर मुर्दा घर जो होता है, मोर्चरी जो होती है, वहां पर भी कई केसेस ऐसे सामने नजर आ रहे हैं कि वहां पर भी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जा रहा है और किसी को पता नहीं लग रहा। तो ऐसे काफी सारे साइको लोग होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अपन नेक्रोफिलिया को जो है वो अपने आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है वो शामिल करें कि इसको भी एक अपराध जो है वो माने, राइट। तो ये एक फैक्ट है नेक्रोफिलिया का, बस ये ध्यान में रखो। इसके आगे लिख देना कि सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ डेड बॉडी, इसको बोलते हैं नेक्रोफिलिया, मुर्दों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप। बट अभी कोई भी कानून नहीं है इस पर। बताया जा रहा है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स और 376 रेप, इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाए नेक्रोफीलिया को, राइट। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जीडीपी। जीडीपी जो है वो 6.1% जो है वो हुई है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है जीडीपी और जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हम लोग को देखने को मिलता है, जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज, जितने भी सामान है, जितनी भी सर्विसेज है, फाइनल वाले मतलब एंड वाले, राइट। जैसे कि आपके पास लैपटॉप है तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। यानी कि मोबाइल है तो फाइनल प्रोडक्ट है, बट अगर मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल का स्पीकर है, मोबाइल का कैमरा है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड में आएगा। तो जीडीपी का मतलब जितनी भी पूरी चीजें हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड और सर्विसेज, वो पूरा इंक्लूड करके उसकी टोटल इनकम जो होती है वो जीडीपी जो है वो कहलाई जाती है, कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बहुत बेसिक कॉमन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, मैंने मोबाइल की स्क्रीन खरीदी, मैंने मोबाइल की चिप खरीदी, मैंने मोबाइल का कैबिनेट खरीदा, मैंने कैमरा खरीदा, और मैं एक एक चीज खरीद के उसको असेंबल कर रहा हूं, तो वो ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि जो भी नई चीज मैं ऐड कर रहा हूं उसमें वो ऐड जो है वो होती जाएगी, राइट। तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, यानी कि जो आउटपुट है माइनस जितना भी हमने इनपुट जो है वो लगाया, तो वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि टोटल प्रोडक्ट में से हमने क्या क्या चीजें पहले उसमें खर्च करी उसको जो है वो माइनस कर दो, राइट। तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। क्योंकि देखो एनएसओ के बारे में भी इस न्यूज में जो है वो मेंशन था, राइट, कि ये रिपोर्ट जो है वो एनएसओ की रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जिसने ये चीज जो है बताई है कंट्री के जीडीपी जो है वो 6.1% हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या है, तो गवर्नमेंट ने 2019 में इस ऑफिस को बनाया था। पहला पॉइंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ बनाई गई थी सरकार के द्वारा 2019 में। इन्होंने दो ऑफिस को जो है वो मर्ज किया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO और कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO। तो NSSO और CSO को मर्ज करके 2019 में NSO बनाई गई, यानी कि दो बॉडीज अलग थी, उनको एक जो है वो कर दिया गया और बनाया गया।
एनएसओ को बनाने का रिकमेंडेशन दिया है रंगराजन कमिटी ने। तो ये फैक्ट, रंगराजन कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया है एनएसओ को बनाने का, ये लिख लीजिए रंगराजन कमेटी। और ऑलरेडी आपके पास जो है एप्लीकेशन में पीडीएफ इसकी मैंने डाल दी है, रेगुलर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं लिखना चाहें बाद में आप लिख लीजिएगा, बट अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब इसको कौन हेड करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी यानी कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो इसको हेड करते हैं एनएसओ को। एनएसओ के हेड जो होते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, आगे चल के आप लोग बनोगे। और इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर में सर्वे जो होते हैं उन सर्वे को जो है वो कंडक्ट करने का काम एनएसओ का होता है। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है कि एनएसओ आती है। तो ये बस बेसिक से फैक्ट्स हैं एनएसओ से रिलेटेड जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए मणिपुर के अंदर अभी अमित शाह गए थे तो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट की जो है बात करी। अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर के अंदर मामला क्या चल रहा था, पता होगा शायद आप लोगों को किस चीज का जो है मणिपुर के अंदर मामला चल रहा है। एसटी का स्टेटस जो है वो डिमांड कर रहे हैं कौन, मीटी ट्राइब। तो उसको जो है वो शांत कराने के लिए अमित शाह गए थे। तो अमित शाह ने काफी सारी चीजों के बारे में जो है वो चर्चाएं करी, जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ पर एयर सर्विस जो है बनाई जाएगी, एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा, राइट। और इन्होंने बोला कि यहाँ पर हम लोग जो है वो एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई के लिए रोड्स वगैरह जो है वो डेवलप करेंगे और तमाम सर्विस के बारे में इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात करी। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये लिख लो, महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है अहमदनगर, इसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर रखा जा रहा है। अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर रखा जा रहा है। आपको अहिल्या बाई होलकर के बारे में पता होगा। अब यूपीएससी आपसे अहिल्या बाई होलकर या पीएससी के अंदर अहिल्या बाई होलकर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो न्यूज तो ये आई है कि अहमदनगर जो है उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर जो है वो रखा जा रहा है, अहिल्या नगर। और किसके नाम पर? अहिल्या बाई होलकर जी के नाम पर, क्योंकि इनका जन्म हुआ था यहीं पर ही, इसी क्षेत्र में, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने ही ये डिसीजन लिया है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें क्वीन रानी अहिल्या बाई होलकर के बारे में। तो रानी अहिल्या बाई होलकर जो है उन्होंने अहमदनगर के ही एक गांव में जन्म लिया था 1725 में। और अहिल्या बाई जो है वो मालवा के ऊपर उन्होंने जो है वो अपना कंट्रोल किया था। उनके हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हुई बैटल ऑफ कुंभेर में, कुंभेर की लड़ाई में। तो उसके बाद मालवा वाला क्षेत्र जो है वो इनके कंट्रोल में, अहिल्या बाई जी के कंट्रोल में आ गया। अहिल्या बाई जी ने जो है वो काफी सारे जो है वो काम करे, जैसे कि अगर हम बात करें इन्हीं के टाइम पीरियड पर जो महेश्वर जो सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, महेश्वर पता है ना, महेश्वर। तो ये काफी सारी चीजों में जो है वो काफी जानी गई, म्यूजिक की फील्ड में, आर्टिस्ट की फील्ड में, इंडस्ट्रियल सेंटर बन गई। महेश्वरी साड़ी के बारे में आपको जो है पता होगा, वो यहीं से ही जो है फेमस हुई, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उभर कर आई। फिर अहिल्या बाई जी ने काफी सारे मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, अरे काशी का मंदिर कहां है, बनारस है ना, वाराणसी। तो वाराणसी में जो है उन्होंने काम किया, राइट। यहां पर जो है वो औरंगजेब ने इस मंदिर को जो है वो तोड़वा दिया था, ऐसे ही कुछ करवाया था इसने। तो इन्होंने जो है वो इस मंदिर को जो है वो रीबिल्ड करवाया, घुसी हुई है, हाँ। तो काफी सारी एक्टिविटीज इसने जो है वो करवाई थी। कौन सा, कहां लिखा है भरतपुर, ये वाले का सेकंड पॉइंट, ऊपर वाले का, ये बैटल है ना, ये तो कुंभेर का बैटल है, कहां पे लिखा है, हाँ भरतपुर का राजा, अब हाँ शायद राजस्थान जो है वो हो सकता है, क्योंकि वही वाला टेरिटरी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो है वो सोमनाथ मंदिर भी जो है वो तैयार करवाया 1783 में। फिर इसके अलावा बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, ओमकारेश्वर, गया, रामेश्वरम जो साउथ में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन सब जो नहीं मतलब रीबिल्ड करवाया, राइट, उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिलवाया। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो एक न्यूज हम लोग को एनआईए से रिलेटेड देखने को मिल रही है। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जो काफी सारी चीजों पर जो है वो काम करती है, जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड मामले, हमारी कंट्री की जो संप्रभुता जो है यानी कि सॉवरेनिटी, हमारी कंट्री की जो सुरक्षा है यानी कि सिक्योरिटी, और हमारी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है यानी कि अखंडता, इसको बचाने का जो है वो काम करती है। ये देखती है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हमारी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन जो है वो खराब कर रहा है दूसरी कंट्री के साथ। एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगेंस्ट जो है ये ऑपरेट करती है। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो कोई तैयार कर रहा है अंदर ही अंदर, कोई टेररिस्ट फोर्स। हाँ, वो एनआईए ने थोड़ा देखा था, वो तो हमारी रॉ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने देखा था, रॉ ने देखा था, वो एनआईए ने नहीं।
एनआईए तो बनी है अभी 2008 में, 2008 में जो टेरर अटैक जो हम लोग को देखने को मिला था ना बॉम्बे के अंदर जो हुआ था 26/11/2008 का अटैक, तो उस समय जो है ये एनआईए बनी है। देखो लिखा भी है यूपीए सरकार थी उस समय, यूपीए सरकार ने जो है वो ये डिसाइड किया कि अब हम एक एनआईए बनाएंगे जो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होगी जो सिर्फ टेररिज्म और इस प्रकार के जो गंभीर मुद्दे जो होते हैं, मामले जो होते हैं उस पर जो है वो डील करेगी। कौन सी? नहीं नहीं, रॉ बड़ी है, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो तो वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, ये तो इंडिया के अंदर जो है वो काम करती है। जैसे कि इसका क्षेत्र अधिकार अगर हम देखें तो ये पूरे इंडिया पर ऑपरेट करती है, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर तब करेगी सिर्फ इंडियंस के ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर नहीं। रॉ तो फॉरेनर के ऊपर भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो रखती है, रॉ एक प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बेसिकली खुफिया एजेंसी है जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है मेनली। इसमें जो भी सरकारी जो अफसर वगैरह होते हैं तो वो कोई घोटाला तो नहीं कर रहे, कहीं देशद्रोही वाला काम तो नहीं कर रहे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे कोई भी हमारी कंट्री का शिप है या हमारी कंट्री का एयरक्राफ्ट है, उसमें कोई भी बैठा हो और वो कोई उत्पात मचा रहा है, गलत हर कुछ चीजें जो है वो कर रहा है, जैसे स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग वगैरह, तो उनको पकड़ने का जो है काम करती है, राइट। और जो भी शेड्यूल ऑफेंस होते हैं यानी कि जो भी सरकार ने जो गंभीर अपराध जो बताए हुए हैं तो उस अपराध पर जो है ये काम करती है एनआईए। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब कहा यह गया कि ओटीटी पर जितनी भी पिक्चरें आती हैं, मूवीज आती हैं, वेब सीरीज आती हैं, अब ये कह रहे हैं कि हर एक वेब सीरीज के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो है वो टोबैको, एंटी टोबैको वार्निंग जो है वो डालनी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, सिगरेट और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, राइट। टैक्स महंगी हुई है, पता नहीं है कौन सी वाली, तो आपको कैसे पता लगा? मैं यार मैंने जो है वो 4 रुपए से शुरू करी थी, अभी वो 20 की हो गई है क्लासिक। चलो फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री JAY, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना। पता है ना आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वही हो रहा है ना, हम लोग को देखने को मिल रहा है। जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस स्कीम है 5 लाख रुपए। अरे आयुष्मान भारत, यही तो है, यही आयुष्मान भारत, उसका मेन नाम ये है आयुष्मान भारत का, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए एक परिवार को दिए जाते हैं, एक व्यक्ति को नहीं, ये बात याद रखना। जो गरीब परिवार जो होते हैं, परिवार व्यक्ति नहीं, उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यस। और कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो होता है, मतलब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें आपको पैसा जो है वो नहीं देना है, ठीक है। अब काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है, यानी कि कौन जो है वो इसको चला रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसको चला रही है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये याद रखना है। फिर इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो चल नहीं पा रही है? तो पहला चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राज्य जो होते हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं। हाँ, पैसे, पैसे की कमी, राइट, सरकार के पास भी पैसे का इशू है, अभी ऑलरेडी हम लोग लोन में है काफी ज्यादा। तीसरी चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, हमारे पास हेल्थ केयर कैपेसिटी नहीं है, ना ज्यादा डॉक्टर्स है, ना नर्स है, ना हॉस्पिटल्स है, राइट, बेड्स नहीं है। इसके अलावा अननेसेसरी ट्रीटमेंट, भाई कोई आ रहा है किसी चीज का इलाज कराने, किसी और कुछ और इलाज करा के उसको भेज दिया, यही नाटक चल रहा है आजकल, राइट। तो ये सब चीज है। अभी भाई एक फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एलस्ट्रॉम, फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है एलस्ट्रॉम। तो एलस्ट्रॉम कंपनी जो है, क्या चीज, वंदे भारत ट्रेन जो है बनाएगी 100, फ्रांस की कंपनी, ठीक है। बस ये छोटा सा टॉपिक था, बस उसमें और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम लोग को जो टॉपिक देखने को मिल रहा है, इसमें बताया जा रहा है इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, CLN, ये लिखा है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, ये इंडिया ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है, 13 कंट्रीज इसमें शामिल है। मतलब जो भी वैक्सीन बनती है तो ये नेटवर्क वैक्सीन की टेस्टिंग करवाता है, कोई भी वैक्सीन, यानी कि किसी प्रकार की वैक्सीन जो होती है ना महामारी के लिए, जो भी वैक्सीन जो है वो बनती है, तो उस वैक्सीन को जो है वो टेस्ट करने के लिए नेटवर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया एक निगरानी रखने की सैटेलाइट लेकर आ रहा था, उसकी सैटेलाइट पानी में गिर गई, क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, चोलीमा, हाँ पानी में गिर गई, क्या ये सैटेलाइट का शटल है ना, शटल, तो ये गिर गई। अब नॉर्थ कोरिया को आपको पता है पगला लीडर उसका, हाँ, तो उसने सोचा कि मैं निगरानी रखूंगा दूसरी कंट्री के ऊपर, उसकी सैटेलाइट ऊपर गई और क्रैश कर गई। तो इसका रॉकेट का नाम है
चोलीमा रॉकेट, चोलीमा वन रॉकेट, ये रॉकेट का नाम याद रखना, ये नॉर्थ कोरिया का है, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस इतनी न्यूज थी आज, और अभी स्पोर्ट्स की न्यूज है वो उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स की जो न्यूज है वो वैसे पीएससी के लिए काम की, यूपीएससी के लिए उतनी काम की जो है वो नहीं है। देखो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है, हरमनप्रीत कौर इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विजडन मतलब कि प्रेस्टीजियस जो मैगजीन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड हम लोग को देखने को मिल रही है उसमें जो है उनका नाम जो है वो शामिल किया गया है। राइट, तो ये बस चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या चीज इसके अंदर हमारे लिए वो काम की है, उतनी कुछ खास काम की नहीं है, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर टेनिस से रिलेटेड एक न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, कार्लोस एल्कराज गार्फिया इन्होंने जो है वो बार्सिलोना ओपन 2023 जो है वो जीता है, और मॉल्टेनी और गोंजालेस टेक डबल्स हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा मैच होता है, टेनिस वाला? यस बिल्कुल, टेनिस, टेनिस वाला। तो याद रखना ये बार्सिलोना ओपन जो है वो कौन सा मैच है, टेनिस वाला, ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। और कार्लोस अल्कराज गार्फिया इन्होंने जो है ये मैच जो है वो जीता है। ठीक है, फिर एंड्री रुबलेव इन्होंने एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर जो है वो जीता है, उसका टाइटल एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर 2023 का टाइटल जीता है, रशिया के हैं ये एंड्री रुबले ही है वो, एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर 2023। तो आपसे ये मैच जो है वो पूछेंगे, फलाना मैच जो है वो किससे रिलेटेड है, फलाना प्लेयर जो है वो किस मैच से रिलेटेड है, ये चीज अक्सर वनडे एग्जामिनेशन में आती है। मियामी ओपन 2023 इसको भी रशिया के एक डेनिल मेदवेडेव इन्होंने जो है वो जीता है, इटली के जैनिक सिनर को हराकर। ये भी टेनिस का मैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, मियामी ओपन 2023 टाइटल रशिया के मेडवेडेव को मिला है। ठीक है, बस इतनी सी चीज ध्यान रखो। फिर टेनिस का हो गया, अब ये बैडमिंटन का मैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, बीडब्ल्यूएफ ऑर्लींस मास्टर 2023, बीडब्ल्यूएफ ऑर्लींस मास्टर्स 2023। अब ये पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के प्रियांशु रजावत ने मेंस सिंगल टाइटल जो है वो जीता है। प्रियांशु रजावत, ये नाम याद रखना, इंडिया के प्रियांशु रजावत बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने बीडब्ल्यूएफ ऑर्लींस मास्टर 2023 जो है वो जीता है, मेंस सिंगल का टाइटल जीता है, मेंस सिंगल। पूछेंगे, आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर अगेन बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 इंडिया के सत्विक सैराज और चिराग ने जो है वो जीता है, सत्विक सैराज और चिराग, ये नाम याद रखना, सत्विक सैराज और सिराज, चिराग सत्विक सैराज और चिराग, इन्होंने मेंस डबल गोल्ड जीता है, मेंस डबल गोल्ड बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023। ये है इनकी फोटो। अब चेस से रिलेटेड न्यूज है, डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आर्मगेडन एशिया जो है वो किससे रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, राइट, आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया टाइटल जो है वो इनको जो है वो मिला है, इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। तो डी गुकेश पूछ सकते हैं, डी गुकेश किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। डी गुकेश, अब फॉर्मूला वन रेस के बारे में तो आप जानते ही हो, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला वन रेस का है ये, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, रेडबुल स्टार F1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ये विनर जो है वो हुए हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के। ये इनका नाम जो है वो थोड़ा सा देख लेना, मैक्स वर्स्टैपेन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। फिर एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक और है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, तो ग्रैंड प्रिक्स जितनी भी आती है वो यही होती है F1 फॉर्मूला F1 वाली रेस जो होती है ना, गाड़ियों वाली, कार वाली रेस। तो रेडबुल ड्राइवर सर्जियो
पेरिस, इन्होंने जो है वो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है अभी अप्रैल 30 अप्रैल 2023 को बाकू सिटी सर्किट के अंदर हम लोग को देखने को मिला था, मैच जो है वो हुआ था। ठीक है, अब गोल्फ जॉन रहम, इन्होंने जो है वो जीता है ऑगस्टा मास्टर टाइटल। क्वेश्चन आ सकता है ऑगस्टा मास्टर टाइटल जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑगस्टा मास्टर टाइटल तो गोल्फ, गोल्फ से जो है वो रिलेटेड है, ऑगस्टा मास्टर टाइटल गोल्फ से रिलेटेड है। मेरा दोस्त है एक जिसका नाम है अनिकेत, वो मेजर है इंडियन आर्मी में, तो आजकल बहुत ज्यादा स्टेटस डाल रहा है, उसको गोल्फ खेलने का शौक हो गया खतरनाक। अब होता है यार जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो शौक एक अलग टाइप के फिर होने लगते हैं। अभी हम क्रिकेट में ही खुश रहते हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलिए, मैं तो स्नूकर खेलता हूँ, मुझे स्नूकर ज्यादा पसंद है। फिर क्या होता है, क्या होता है जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है ना वैसे वैसे शौक चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने पिक्चर नहीं, वो कौन सी है यार 1992 स्कैम के ऊपर है, क्या नाम है, अरे स्कैम स्कैम नहीं, वो एक और पिक्चर भी आई थी ना यार, क्या नाम था उसका, अभिषेक बच्चन के अलावा, उसमें भी अभिषेक बच्चन गोल्फ खेलता हुआ दिख रहा था क्या, हाँ वो क्रिकेट, उसमें दूसरी वाली पिक्चर में गोल्फ खेल रहा था छत के ऊपर, हाँ छत पे बनवा लेते, हाँ स्टॉक मार्केट का, हाँ क्या नाम था यार स्कैम, 1992 ही था क्या, हाँ मेहता मेहता करके, हाँ तो बड़ा स्कैम जो है वो उसने किया था, बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम है। हाँ हाँ, अरे बी आर चेक जो हम लोग को देखने को मिलते थे, हाँ बी आर चेक, तो वो बंद करवा दिया फिर। हाँ अब देखो इस ये लिखिए अपने ऑगस्टा मास्टर टाइटल, हर्षित हर्षित मेहता, बिल्कुल सही। फिर और कुछ न्यूज हम लोग को मिसलिनियस देखने को मिल रही है, कालीकेश नारायण सिंह डीओ, इनको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं कालीकेश नारायण सिंह डीओ, तो ये बस ये ध्यान में रखो। अब इंडिया ने टोटल 14 मेडल जो है वो जीते हैं 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। अब देखो ये 14 मेडल ये अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहा है, अमन शेरावत 57 kg फ्री स्टाइल, मेरे ख्याल से ये वो है वेट लिफ्टिंग वाला है ना, और ये रूपिन करके है 55 kg सिल्वर मेडल, फिर वुमेन 53 kg फ्री स्टाइल, ये वही है ना मेरे ख्याल से, वही है ना मेरे ख्याल से, वही वाला है वेट लिफ्टिंग है ना, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कुश्ती वाला ही है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अच्छा कुश्ती में भी ये रहता है वेट वाला, अच्छा कुश्ती है फिर ये, तो ये अलग अलग लोग हैं हमारी कंट्रीज है। फिर एक हम लोग को लूका ब्रिसेल, इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, तो इसको तो अपन को तो नाम रखना ही है, 2023 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, कौन सी कंट्रीज है ये, इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड नहीं, लूका ब्रिकल बेल्जियम, हाँ वही बेल्जियम की हम लोग को लूका ब्रिसेल जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, लूका ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में कंट्री है बेल्जियम, क्या 5 लाख, 5 लाख पाउंड, 5 लाख पाउंड मतलब 1 पाउंड 100 रुपए का है, तो 5 लाख में 2 0 और बढ़ा दो कितना हो गया, 5 करोड़ रुपए ना, 5 करोड़ मिल गया, 5 लाख में 1 0 50 लाख, फिर 1 0 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए मिले इसको, बढ़िया। चलो आज के लिए इतनी ही न्यूज थी, कम न्यूज थी क्योंकि आज एडिटोरियल के अंदर, एडिटोरियल भी आया था आज द हिंदू के अंदर, रोज ही आता है वैसे एडिटोरियल में, एक प्रॉब्लम बस ये थी कि आज का एडिटोरियल जो है, जिन्होंने भी आज मैंने न्यूज़पेपर दिया आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो जिन लोगों ने भी एडिटोरियल पढ़ा होगा तो पहला वाला जो मेन एडिटोरियल है प्लीज उसको जो है वो मत करिएगा, पढ़िएगा मत, क्योंकि वो आपका दिमाग जो है वो खराब कर देगा, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो चला गया पूरा का पूरा। अब देखो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, इवन मैं भी नहीं करता, आपको किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना, बट द पॉइंट इज दैट कि आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लिख रहे हो और आप जो आपकी कॉपी चेक करेगा यू नेवर नो कि भाई वो उसको पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको न्यूट्रल रहना है, तो उसमें बहुत ही एंटी चीजों के बारे में जो मेंशन था। फिर एक जो आर्टिकल था वो उससे रिलेटेड था, इजिप्ट से रिलेटेड जो आपके लिए काम का नहीं था, और एक आर्टिकल जो था मेन वो आपका इससे स्टैटिस्टिक्स वगैरह से जो है वो रिलेटेड था, तो वो भी आपके लिए काम का नहीं था। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बस साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब
तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।